दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपका ऑनलाइन होने वाला है यूपी में, तो इस ऑनलाइन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम को हम कैसे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी भी आपके ऑनलाइन पेपर नहीं दिया होगा, ठीक है। और हाई स्कूल के बच्चे हैं तो उनमें से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ नहीं किया होगा। तो ऐसे विद्यार्थी ज़रूर देख लें कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, किस तरीके से सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है आपके एग्ज़ाम होने से 30 या 45 मिनट पहले आपको पहुंचना होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है और इस वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आप लोगों को एंट्री दी जाती है आपके लैपटॉप पे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एक एक सिस्टम होता है और वहीं पर दोस्तों आप लोगों को सभी के लिए अलग अलग दोस्तों सिस्टम अलॉट होता है, उसी सिस्टम पर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होता है। अंदर भी दोस्तों आपका प्रोसेस होता है और सब कुछ वेरीफाई किया जाता है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहा है व्यक्ति वो आप ही हैं कि नहीं। और यहाँ पे आपका जैसे कि इस बच्चे का फ़ोटो है दोस्तों, इसी तरीके से आपका भी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का टाइम शो करेगा और यहाँ पे आपका नाम शो करेगा बिल्कुल कॉर्नर में, और आपका थंब वेरीफाई होगा कि आप ही हैं कि नहीं इसके लिए, ठीक है। अगली चीज़ें कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आपका 3 सेक्शन पूछा जाता है, तो आपका बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। एक सेक्शन में आपका फिजिक्स रहेगा, एक सेक्शन में आपका केमिस्ट्री रहेगा, एक सेक्शन में आपका मैथ रहेगा, ठीक है। ये आपका सेक्शन वाइज आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन के बाद आप लोगों का उसी में 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिए रहेंगे ए बी सी डी, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने मैच करने वाला लिया है एक, ठीक है, क्योंकि मैच करने वाले विद्यार्थी समझ नहीं पाते, नॉर्मल भी मैं लेकर के समझ लूँगा। जैसे मान लीजिए, मानते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों का ए को आर से मिला देते हैं, बी को पी से मिला देते हैं, क्यू को डी से मिला देते हैं, सी को एस से मिला देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ऐसा मिला दिया है ना, तो फिर आपको अब नीचे जाना है ऑप्शन पे और ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है कि आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। जैसे माउस का लेफ्ट क्लिक आप करेंगे वैसे ही दोस्तों आप लोगों का वो चीज़ ग्रीन हो जाएगा और आपके से नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए कहा जाएगा, तो आप नेक्स्ट बढ़ने से पहले उस क्वेश्चन को सेव कर लेंगे, तब जा करके वो चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों व्यू इन इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आता है, लैंग्वेज चेंज करने का भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हिंदी माध्यम के होते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश भी अच्छे तरीके से आती है, तो कोई क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में टफ लग रहा है आपको, वो हिंदी लैंग्वेज में आपको बहुत टफ लग रहा है, तो उसको आप चेंज कर लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आप उसको चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास चेंज करने के ऑप्शन आएंगे। उसके बाद किनारे यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का ये देखेगा, आपके पास कुछ क्वेश्चन के पैलेट रहेंगे और उसमें आप लोगों के पास क्या रहेगा ध्यान से देखिएगा, उसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन आपका 1 से लेकर के 100 तक आपके क्रमांक दिया रहेगा और उसमें ये पता चलेगा आपको कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपके पास अगर आपने ग्रीन कलर, अगर आपके पास वहाँ से सिंबल आपके पास ऑलरेडी दिया होगा, अगर ग्रीन कलर का सिंबल, इसका मतलब कि क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। रेड कलर वहां पे अलर्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि आपने आंसर नहीं दिया है। ब्लू कलर का मतलब है दोस्तों कि आपने इसको रिव्यू के लिए आंसर रखा है। और उसके बाद अगर येलो कलर आता है, मतलब आपका यहां पे रिव्यू आंसर आपका रहता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर लिखी रहेंगी, याद करके यहाँ से कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं कहूँगा कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पर आप ग्रीन पर ट्रिक कर दें, ठीक है। ग्रीन पे अगर आप ट्रिक कर देते हैं तो उसके बाद आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है, आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। सेक्शन वाइज आएगा तो मैं पहले आपको कहूंगा कि आप साइंस के सेक्शन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आपके पास आसान आते हैं। इसके अलावा आपके लिए रफ वर्क करने के लिए, जो रफ वर्क आप लोगों का होता है उसको करने के लिए अलग से सबके पास एक पेपर दिया जाता है, ठीक है। एक एक पेपर आपको दिया जाएगा और उस पेपर पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, उस पेपर पे आप लोगों को सिंपल एक काम करना है कि उस पर अपना नाम, उस पर अपना रोल नंबर लिखना है और उस पेपर पे आप क्या कर सकते हैं सिंपली दोस्तों, तो अपना रफ वर्क कर सकते हैं। जो साइंस और मैथ के क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिए जाएंगे, उसी स्क्रीन के क्वेश्चन को आपको नीचे सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको आपको
फिर माउस की सहायता से क्लिक करके उसको आपको करेक्ट आंसर पे ले जाना है, ट्रिक करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आंसर आपके ऑप्शंस बहुत करीब करीब होते हैं, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत करीब करीब आपके पास आंसर निकल के आते हैं। तो जब आपके पास बहुत आंसर करीब करीब निकल के आएंगे दोस्तों, तो फिर आपको ध्यान से कर्सर को ले जा करके ट्रिक करना होगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत ना हो और आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पे दी रहेंगी। उसके बाद लास्ट में आपको दोस्तों सबमिट एग्जाम पर क्लिक करना है। सबमिट आप लोगों के टाइम से पहले नहीं करना है, और ना ही आपके टाइम से पहले सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो टाइम से पहले सबमिट करने का ऑप्शन आएगा भी नहीं, और सबमिट आपको टाइम से पहले करना भी नहीं है। तो आप इतनी बातों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसको उतना कर लीजिएगा तब आपका एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े दिन बाद आपकी जब आंसर की आएगी, तो आप उसमें मैच कर सकते हैं कि कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। यूपी में आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में एक बात हमेशा स्पष्ट रूप से याद रखना है कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप गलत क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा कि आपका आंसर कटेगा, है ना। गलत क्वेश्चन अगर आप दोस्तों करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा दोस्तों, कटेगा, अंक कटेगा सीधे तौर पे, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसके अलावा डेमो से रिलेटेड अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कीबोर्ड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सारे काम आपके माउस से होंगे। कीबोर्ड आप लोग का वहाँ पे ऑफ कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यह है कि 1 घंटा पहले एटलीस्ट आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे पहुँचे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण टाइम वगैरह लगता है। और अपने पास एक अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर रखें। आईडी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। आधार कार्ड या पैन कार्ड और फोटो आप ज़रूर लेकर के जाएँ। मैच किया जाएगा आपके चेहरे से आपके फ़ोटो को, फिर आधार कार्ड को मैच किया जाएगा आपके फ़ोटो से, फिर सब कुछ आपका मैच करके उसके बाद आपका एवरीथिंग डन किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एग्जामिनेशन देने अगर आप जा ही रहे हैं, तो टाइम से पहले पहुंचने का ज़रूर प्रयास करें, ठीक है। जितना टाइम आपका बचा रहेगा, उसको कॉर्नर पे आप लोग ऑलरेडी कर चलता रहेगा, टिक 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 ऐसे घड़ी चलती रहेगी आपकी, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि आपको कितना टाइम अभी आपके पास और बचा हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर आराम से देंगे अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बाकी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप हमसे पूछिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में, फिर आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा।